अमेरिका के यूटा के रेगिस्तान में सामने आया रहस्यमय धातु का खंबा एक बार फिर से सामने आया है। अमेरिका के यूटा और रोमानिया से गायब होने के बाद अब धातु का खंबा कैलिफोर्निया में सामने आया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक धातु का यह खंबा कैलिफोर्निया में पाइन पहाड़ के ऊपर पाया गया है। यूटा, रोमानिया और अब कैलिफोर्निया में इस बेहद रहस्यमय धातु के खंबे के सामने आने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसे एलियन लगा रहे हैं या कोई मजाक कर रहा है। आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। कैलिफोर्निया के न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तीन तरफ से बना हुआ यह धातु का खंबा स्टील का बना हुआ है जो 10 फीट ऊंचा है और 18 इंच चौड़ा है। इस खंबे को हर कोने से गढ़ा गया है और यह दूर से ही काफी चमक रहा है। हर कोने पर कील लगाई गई है। माना जा रहा है कि इस खंबे को जमीन में नहीं गाड़ा गया है और इसे जोर लगाकर उखाड़ा जा सकता है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसने इस खंबे को पहाड़ के ऊपर लगाया है। यह पूरा इलाका टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है और बड़ी संख्या में लोग इसे लेकर तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इससे पहले नवंबर में यूटा के रेगिस्तान में 12 फुट ऊंचा धातु का खंबा मिला था। इसके पाए जाने के बाद आम लोगों से लेकर रिसर्च तक के बीच चर्चाएं तेज हो गई थी कि आखिर ये कहां से आया है। इसे कला के नमूने से लेकर एलियन की करतूत तक बताया जाने लगा। हालांकि कुछ दिन बाद ही यह गायब हो गया था। गायब होने के 24 घंटे के बाद यह खंबा यूरोप के रोमानिया में दिखा। अब यह खंबा वहां से गायब हो गया है और अमेरिका के कैलिफोर्निया में नजर आया है। रोमानिया में लगा खंबा करीब 2.8 मीटर का था। आपको बता दें कि साल 1968 में आई वैज्ञानिक कल्पना पर आधारित ऑथर सी क्लार्क की किताब में भी इस तरह के धातु के खंबे का जिक्र किया गया है। बाद में इस किताब पर फिल्म भी बनी थी। इसमें दिखाया गया था कि एलियंस ने इस तरह के धातु के खंबे लगाए थे ताकि अंतरिक्ष से साथी एलियंस से संपर्क किया जा सके। अब धातु के इन खंबों के सामने आने के बाद अब इस किताब की दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।